जय श्री श्याम। मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह की आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम और साथ में ओरियो आइसक्रीम, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं बनाना आइसक्रीम। पहले हम आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे। आइसक्रीम का बेस तैयार करने के लिए मैंने ये अमूल फ्रेश क्रीम ली है, ये 250 ml फ्रेश क्रीम है। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम थोड़ी सी बर्फ़ डालेंगे, थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे। इसके ऊपर हम एक बाउल रखेंगे और इसको हम पहले अच्छे से शेक कर लेंगे। मैंने इस क्रीम को पहले से एक घंटे के लिए फ्रीज़र में चिल्ड होने के लिए रखा हुआ था। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसमें ये कप में देखेंगे तो एक कप फ्रेश क्रीम है ये। अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से 8 से 10 मिनट के लिए लो स्पीड पे बीट करेंगे। बस हमें 8 से 10 मिनट के लिए इसको बीट करना है। आइसक्रीम के बेस को व्हिप करते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पहले से अच्छे से फूल भी गए हैं। ये क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ भी गया है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता ये। इसको हमें इस तरह से तैयार करना है। इसी तरह से हम आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे और अब हम आगे की तैयारी करेंगे। आइसक्रीम का बेस बन के तैयार हो चुका है। अब हम पहले ओरियो आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ये 8 बिस्किट लिए हैं। आप चाहें तो इसकी क्रीम हटा सकते हैं, पर मैं क्रीम समेत डाल रही हूँ। अब इसको हम एकदम बारीक पीसेंगे। अब हम आइसक्रीम का बेस लेंगे जो भी हमने व्हिप करके रखा था। इसमें हम 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। ये वेट में 200 ग्राम है। पिसा हुआ ओरियो बिस्किट डालेंगे। अब ओरियो आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है ये। बस तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और जमाने के लिए रख देंगे और आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसकी स्पीड हम लो ही रखेंगे। बिस्किट अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हम एयरटाइट कंटेनर में डालेंगे। इसके ऊपर सजाने के लिए हम बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। इससे आइसक्रीम दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। जब हम इस आइसक्रीम को खाएंगे और छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी आइसक्रीम। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और ओरियो आइसक्रीम को हम 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। 12 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए ओरियो आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से बन के सेट हो गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए ओरियो आइसक्रीम का टेक्सचर कितना अच्छा है। ये आप बच्चों को बना के ज़रूर खिलाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा इसका फ्लेवर। ये खाने बहुत टेस्टी लगती है। ओरियो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये मार्केट से भी अच्छी लगेगी खाने में। ये बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और ये हमारी ओरियो आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम की क्रीम मैंने पहले से ही व्हिप करके रखी हुई है। अब क्रीम के अंदर हम 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क मिलाएंगे। ये वेट में 200 ग्राम है। एक कप आम का पल्प डालेंगे। आम को मैंने पहले से ही पीस के इसका पल्प बना के रखा हुआ है। मैं ये अल्फेंसो मैंगो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मैंगो यूज़ कर सकते हैं। बस आप मैंगो लेते समय ये देखें कि उसमें उसका कलर अंदर से अच्छा हो एकदम। अगर आम का रंग अच्छा होगा अंदर से तो आइसक्रीम का रंग बहुत अच्छे से आएगा अंदर से। अब इसको हम लो स्पीड पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। ऊपर से थोड़े से हम बारीक कटे हुए आम के टुकड़े डालेंगे।
इससे आइसक्रीम देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसी नेचुरल आइसक्रीम जैसी लगेगी आपको। अब इसे हम 12 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। 12 घंटे बाद मैंने फ्रीजर से मैंगो आइसक्रीम को निकाला। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। इसको भी अब हम सर्व कर लेते हैं। मैंगो आइसक्रीम देखने में बहुत अच्छी लग रही है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए बहुत अच्छे से जम गई है, ये कुछ ज़्यादा ही जम गई है। अभी इसको हम 2 मिनट ऐसे बाहर रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसका टेस्ट मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इसको घर पे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये हमारी मैंगो आइसक्रीम बनके भी तैयार हो गई है। और ये हमारी दोनों आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है, ओरियो आइसक्रीम और ये साथ में मैंगो आइसक्रीम। ये दोनों बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी है, बहुत ही टेस्टी है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।